हाय गाइस, मेरा नाम है चंद्रशेखर बरोला और मेरा मोबाइल नंबर है 9899123008। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस और हमने डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल बड़ा फैंसी किस्म का वर्ड है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल का मतलब सिंपल है कि डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से ईजिली हम फाइंड आउट करेंगे। और हमने बोला था कि डॉक्यूमेंट को उसके लिए हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद दो चीज़ें होती हैं, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सही कंडीशन में होना चाहिए, और उसको रिट्राइव करें तो ईजिली वो निकाल कर लिया है, यानी हैफजर्ड मैनर में स्टोर ना हो। यही डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल है। मतलब वर्ड्स बहुत भारी हैं लेकिन उसका मतलब यही निकलता है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल है, ईजी एक्सेस होगा, ईजिली आप डॉक्यूमेंट्स को निकाल देंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डॉक्यूमेंट मंगाते हैं किसी से और उसको टाइम लगता है डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, तो आप एक लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स बहुत पुअर है। प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स नहीं है, और प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स नहीं है आप ये ऑडिट रिपोर्ट में भी लिख सकते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक स्ट्रॉन्ग अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ई डॉक्यूमेंट्स का ज़माना है, ई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ई जो भी जिस भी मीडिया में उसको स्टोर करना है अच्छी तरीके से स्टोर करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। सैम्पलिंग बेसिकली सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और पता कर लेते हैं कि किस तरीके का क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में। उसी तरीके से हम सैंपल लेते हैं और खाने का सैंपल ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा बना। तो बेसिकली ये सैम्पलिंग है। तो हमने ये जाना था कि जब टाइम और कॉस्ट कंसिडरेशंस हम के वजह से हम 100% ऑडिट नहीं कर पा रहे होते हैं, 100% वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे होते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स का और सारे इवेंट्स का, तो हम सैंपल लेते हैं। सैंपल का मतलब ये है कि पॉपुलेशन का सबसेट, जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उसका एक सबसेट ले लो और उसे टेस्ट कर लो। तो एंटायर ग्रुप अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो बात अलग होगी, लेकिन अगर हम सैंपलिंग करेंगे, सैंपल लेंगे, तो सैंपल इस टाइप का हमें लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। दो टाइप के सैंपलिंग मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक होता है, यानी कि आपने उसमें सैंपल उठाया तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है होल पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि उसको ऑडिट करके अगर अच्छा सैंपल होगा, मतलब वैसे सैंपलिंग रिस्क नाम की भी चीज़ होती है, सैंपल उठाते हैं तो सैंपल गलत सैंपल उठाने का भी रिस्क होता है, लेकिन अगर आपने सही सैंपल उठाया होगा तो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। आपको पता चल जाएगा उसको ऑडिट करके कि उसमें उतने ही एरर्स होंगे तकरीबन जितने परसेंटेज ऑफ एरर्स नॉर्मल पॉपुलेशन में हो रहे हैं। तो अच्छा सैंपल किस तरह से उठाया जाता है और क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ है, हम थोड़ा सा प्रस्पेक्टिव में जान लेते हैं कि सैम्पलिंग की ज़रूरत कब पड़ी। सैम्पलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते चले गए और हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम 100% ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सैम्पल्स उठानी स्टार्ट कर दी। हमने सैम्पल्स देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब 100% ऑडिट करना पॉसिबल नहीं हो गया। धीरे धीरे आईटी बढ़ता गया, एफिशिएंसी बढ़ती गई, ट्रांजैक्शन वॉल्यूमनस होते चले गए, तो 100% ऑडिट होना पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर कुछ टेक्निक्स आई, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आई, जिससे कि आप 100% ऑडिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स को 100% ऑडिट कर सकते हैं। जैसे बैंक की का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, वहाँ पर ह्यूज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर सेकंड ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, और आज की डेट में तो 24 घंटे ATM ओपन रहता है, तो वो 24 घंटे ट्रांजेक्शन्स चल रहे होते हैं, तो उनको ऑडिट करना, मैन्युअली ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, उसमें ह्यूज कॉस्ट लगेगी। तो हम क्या करते हैं कि मैनुअल उसको ऑडिट नहीं करते हैं बल्कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और कई जगह पर जब हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो हम 100% ऑडिट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम सैम्पलिंग नहीं कर रहे, वहाँ पर 100% ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का जब यूज़ करते हैं तो तो सिस्टम के रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज़ करके सिस्टम स्लो हो जाता है।
तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं जो हमें 100% ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स 100% लेवल तक ले जाने में हेल्प करती हैं, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस को 100% तक हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 100% तक चेक नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न से, तो वहाँ पर हम सैंपल उठाते हैं। तो बेसिकली एक प्रैक्टिकलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो होता क्या है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, सबसे पहले कंप्लायंस टेस्टिंग करते हो, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हो, आप कंट्रोल्स देखते हो, कंट्रोल्स हैं कि नहीं हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स नहीं हैं तो, या वीक कंट्रोल्स हैं, सॉरी नहीं अच्छा वर्ड नहीं हुआ, वीक कंट्रोल्स हैं तो क्या करते हो, आप अपना सैंपल साइज बढ़ा देते हो। अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है तो सैंपल साइज छोटा लेते हो और उसको टेस्ट करते हो, उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो, यानी पहले कंप्लायंस टेस्टिंग करते हो। कंप्लायंस टेस्टिंग तकरीबन 100% करनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर 100% कंप्लायंस टेस्टिंग नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर हम एट्रीब्यूट सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर है, वाउचर ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन वेरीफाई ऑथराइज होकर आता है, तो ऑथराइजेशन और वेरिफिकेशन अगर किसी वाउचर में ऑथराइज और वेरीफाई हो रहा है तो एट्रीब्यूट है। वो वाउचर्स जिसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या ऑथराइजेशन नहीं हुआ है, वो वाउचर्स हम निकाल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, हम कंप्लायंस टेस्ट कर रहे हैं। जब कंप्लायंस टेस्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, और हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करते हुए ये देखते हैं कि किस लेवल तक हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, हमें सैम्पल साइज क्या लेना है। हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक पॉपुलेशन में अप्लाई करते हैं, और उस पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि हमें कम मात्रा में छोटा सैंपल लेना है, बड़ा सैंपल लेना है। अगर हमने जो कंट्रोल्स की टेस्टिंग की है और पता किया है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अपने आप कम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली मैंने पहले भी रिएट्रेट किया कि सैम्पलिंग मोस्टली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में होती है, कंप्लायंस प्रोसीजर्स में नहीं होती है, कम होती है। कंप्लायंस के लिए कंप्लायंस टेस्टिंग आप 100% करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, लेकिन कई जगह पर आप 100% कंप्लायंस टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको सैम्पलिंग लेनी पड़ती है, और कंट्रोल्स की सैम्पलिंग लेने को बोलते हैं एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। तो ये एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एट्रीब्यूट सैम्पलिंग किसकी लेते हैं, कंप्लायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की। तो फिर इसे एक बार समराइज़ कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसने क्या है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूमिनस कर दिए, और ऑडिट प्रोसीजर्स थोड़े पीछे रहे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स उतना यूज़ नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले लेवल में क्या है कि हमें सैंपल्स का यूज़ करना पड़ा। पहले मैनुअली जब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़े होने लगे, एफिशिएंट होने लगे, वॉल्यूमिनस होने लगे, तो हमें सैंपल्स का यूज़ करना पड़ा। तो उस टाइम पर कई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल चीज़ें चला करती थी, बड़े बड़े बैंक्स थे उसमें भी मैनुअल काम चला करता था, और वहाँ पर हम जाते थे तो पहले 100% टेस्टिंग कर लेते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो वॉल्यूमिनस होने लगे तो 100% टेस्टिंग नहीं कर पाए, सैम्पलिंग हम करने लगे। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज डेटाबेस आया तो ऑडिटर की भी कैपेबिलिटी बढ़ गई, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आ गई, जिससे वो 100% ऑडिट कर सकता है, तो वहाँ सैम्पल हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को कमज़ोर करता है, मतलब बुरी आपका आपका एक सर्वर काम कर रहा है, सर्वर में आप ऑडिट कर रहे हो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो वो सर्वर का कुछ टाइम आपको, कुछ रिसोर्सेज आप पर लग जा रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स को एटीएम्स को अच्छी तरह सर्व नहीं कर पा रहा है। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से ऑपरेशनल एफिशिएंसी कई बार कम हो जाती है। बिजनेस ऑपरेशंस, एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है बिजनेस ऑपरेशंस को। अगर एक बिजनेस ऑपरेशन एटीएम में जा रहे हो तो आपको अच्छा फील आना चाहिए, आज की डेट में ये है कि फील अच्छा आना चाहिए, एटीएम में फटाफट पैसा निकलना चाहिए। अगर कोई वेबसाइट जा रहे हो, नेविगेबल वेबसाइट होनी चाहिए, नहीं तो आदमी उस पर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत वो नहीं लगाना चाहता है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है तो आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कम करेंगे, और अगर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कम करेंगे तो आप 100% पॉपुलेशन को ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें सैम्पलिंग का बहुत महत्व है। जो इसके अलावा ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 15 है वो ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में हमें बताता है, उसके स्टैंडर्ड्स हमें देता है किस तरह से हम ऑडिट सैम्पल उठाएंगे, उसको किस तरीके से इवेलुएट करेंगे। और एक बात है कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल दोनों सैम्पलिंग मेथड्स में अप्लाई होता है। यानी जहाँ भी आप सैंपल ले रहे हैं वहाँ पर ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 15 अप्लाई होगा। ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अगर आप नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो क्या AAS अप्लाई होगा, उसमें भी अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 15 अप्लाई होगा। तो दो टाइप की सैंपलिंग होती है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, मतलब दो सैम्पलिंग की मेथड्स होती हैं। सैम्पल हम सैम्पल उठा रहे हैं, अब सैम्पल को उठाने की दो तरीके की मेथड्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड से उठाएं या नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड से उठाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंप्लायंस टेस्टिंग के लिए और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए जो सैम्पल उठाना है वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिक होती हैं, उसमें सैंपल को उठाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, एक नोन प्रोबेबिलिटी होती है और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। पॉपुलेशन में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को उठाने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, और आपको भी पता होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उठाने की। यानी कि आप 10% डिसाइड कर सकते हैं, 15% डिसाइड कर सकते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड अनसाइंटिफिक है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स की बात कर लेते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स अनसाइंटिफिक है, और जब ऑडिटर पूरी पॉपुलेशन को ऑडिट नहीं कर पा रहा था, जो क्योंकि ये सैम्पलिंग इवोल्यूशन है, पहले क्या होता था 100% ये माना जाता था कि ऑडिटर जाएगा और 100% ऑडिट करेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे तो ऑडिटर के पास टाइम और कॉस्ट ही नहीं थी, उतनी मेहनत वो लगा ही नहीं पाता सकता था टाइम, तो वो कम ऑडिट कम करने लगा, वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ ज़्यादा करने लगा। तो अब धीरे धीरे जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो स्टैंडर्ड्स आने शुरू होते हैं। तो पहले जब ऑडिटर जब ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड या वर्ल्ड वाइड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सैम्पलिंग में नहीं थे और वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन नहीं था, तो सबसे पहले हैफजर्ड सैम्पलिंग का यूज़ होता था। हैफजर्ड सैम्पलिंग कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कोई बायस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब कॉन्शियस बायस्ड टेक्निक नहीं है। मतलब एक ऑडिटर गया, वो अपने एक एक्सपीरियंस के अनुसार उसने हैफजर्ड वे में चीज़ें उठानी शुरू की, सैंपल्स उठाना स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शंस उठानी स्टार्ट किए। लेकिन हैफजर्ड सैंपल अगर आपने उठाए हैं पहले, तो उसने क्या है कि 95% ऑडिट किया, फिर 90% उठाने स्टार्ट किए, फिर उसको टाइम और कॉस्ट लगने लगी तो 80% उठाने लगे, फिर 50% उठाने लगा, यानी हर दूसरे में से दो ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शंस उठाने लगा, फिर उसके बाद 30% आ गया, फिर 10% आ गया। जब आप 10% डेटा उठा रहे होते हो और उसे देख रहे होते हो, आप लेजर स्क्रूटनी करते हो और पूरे डॉक्यूमेंट्स देखते हो, पूरे वो ट्रांजैक्शंस देखते हो, और उसमें क्या है 10% ट्रांजैक्शंस के वाउचर निकलवाते हो, बाकी ट्रांजैक्शन के वाउचर ही नहीं निकलवाते हो, तो आप एक हैफजर्ड मेथड से काम कर रहे हो, उसमें कॉन्शियस आपका एक्सपीरियंस काम कर रहा है, लेकिन वो एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं हो, अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो तो बात अलग है, अदरवाइज क्या है, जो दूसरा ऑडिटर है वो जाएगा, वो उस लेवल तक जा ही नहीं सकता, और क्योंकि उसके पास साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं है, बाद में उसका सीनियर बैठेगा और वो कहेगा तूने ऑडिट किया, कितना किया, 100% क्यों नहीं किया, तो वो एक साइंटिफिक रिप्लाई उसे नहीं दे पाएगा, वो ये नहीं कह पाएगा मैंने एक सैंपल लिया पॉपुलेशन का और इस बेसिस पर सैंपल लिया और इस तरीके से मैंने ऑडिट किया। तो एक साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं होगा।
लेकिन स्टार्टिंग में हैफजर्ड सैम्पलिंग आई, हैफजर्ड सैम्पलिंग की ज़रूरत थी, उसका यूज़ होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि ऑडिटर के पास इतना टाइम, इतनी कॉस्ट वो वहाँ लगा नहीं सकता था। जितनी फीस होती थी उस हिसाब से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए थे, तो वो 100% पॉपुलेशन को ऑडिट नहीं कर सकता था। और चूंकि 100% पॉपुलेशन को ऑडिट नहीं कर सकता था, उसने हैफजर्ड सैम्पलिंग का यूज़ करना स्टार्ट किया। अब अच्छा ऑडिटर है तो वो जजमेंटल सैम्पलिंग का यूज़ करेगा। थोड़ा सा और रिफाइनमेंट आ गया जजमेंटल सैम्पलिंग का। जजमेंटल सैम्पलिंग का यूज़ कई बार अभी भी होता है। जजमेंटल सैम्पलिंग में आपने कहा कि जी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस देख लिए सारे, एक्सपेंसेस को परसेंटेज में बांट लिया, आपने लेजर्स देख लिए, लेजर्स में देखा खर्चे कितने का, आपने कहा जी 50 करोड़ के खर्चे हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो 10-10 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने वो सारे ट्रांजेक्शन्स देख लिए, 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन, 2-1 करोड़ के ऊपर से ट्रांजेक्शन है। सपोज एक्सपेंसेस हुए, कोई कैपिटल आइटम खरीदा गया, 2-1 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस हुए हैं, और वो एक्सपेंसेस आपने थॉरली चेक किए। बाकी एक्सपेंसेस आपने उतने थॉरली चेक नहीं किए, तो एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सेप्शन आपने सारे के सारे देख लिए। मान लो बड़ा आपने अगर कोई एक्सेप्शनल परचेजेज हैं वो सारी देख ली, या एक्सेप्शनल सेल्स वैल्यू की सेल्स है वो सारी देख ली, सारे नेगेटिव्स देख लिए, सारे नए यूज़र्स थे उनको ऑडिट कर लिया, मतलब जो नए यूज़र्स आए सिस्टम में, आपने आईटी ऑडिट करने जा रहे हो तो देखा कि उसका उन सारे यूज़र्स का पासवर्ड्स किस तरह से जनरेट होते हैं, एक्सेस राइट्स क्या दिए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर आपने जजमेंटल सैम्पलिंग का यूज़ किया। जजमेंटल सैम्पलिंग का यूज़ करके आपने एक तरीके से, आप एक थोड़े से मजे हुए ऑडिटर हो, आपने कहा जी 90% वैल्यू का तो मैंने ऑडिट कर ही लिया है, बाकी 10% छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आपने नहीं देखा, उनमें से बहुत कम देखा आपने, यानी आपके अंदर एक बायस आ गया। हैफजर्ड सैम्पलिंग में एक बायस नहीं था, जजमेंटल सैम्पलिंग में आप जजमेंट का यूज़ करने लगे क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो एक बायस भी आ गया। लेकिन ये दोनों साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में अनबायस्ड हैफजर्ड सैम्पलिंग है, बायस्ड जजमेंटल सैम्पलिंग है, लेकिन हम इसे पूरी पॉपुलेशन में एक्सट्रपोलेट नहीं कर सकते। जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, साइंटिफिक रूप से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो पूरी पॉपुलेशन में ये रिजल्ट्स एक्सट्रपोलेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई बार डेमोक्रेसी में होता है, जब डेमोक्रेसी ग्रो कर रही होती है, धीरे धीरे ग्रो करती है डेमोक्रेसी, कई साल लग जाते हैं, 50 साल 60 साल 100 साल, अमेरिका की जैसी डेमोक्रेसी को 150 मैच्योर होने में करीब 120 साल, ह्यूज नंबर ऑफ ईयर्स लग गए। तो जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही थी, वो अपना लीडर चुनती है, तो पहले जो लीडर होते हैं फीडुअल, जो ताकतवर होते हैं वही आते हैं। फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी मैच्योर होने लगती है, तो फिर गरीब आदमी भी लीडर बनने लगता है, जैसे मोदी लीडर बन गया या ओबामा में लीडर बन गया, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है। तो उसी तरीके से जैसे ही सैम्पलिंग में पहले मैच्योरिटी नहीं थी, सबसे कम इमैच्योरिटी थी, यानी कि ऑडिटर जाया करता था, ऑडिटर हैफजर्ड सैम्पलिंग करता था, हैफजर्ड सैम्पलिंग में कोई कॉन्शियस बायस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती थी, और क्योंकि कॉन्शियस बायस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती थी, तो प्योर चांस होता था उसमें हैफजर्ड सैम्पलिंग में। जजमेंटल सैम्पलिंग आई, उसमें कॉन्शियस बायस हो गया, ऑडिटर थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, उसे पता है अब वो जा रहा है, उसने कहा जी 90% वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स, 90% वैल्यू के एक्सपेंसेस, 90% वैल्यू की सेल्स, एबीसी एनालिसिस उसने लगा दिया, छोटे मोटे एक्सपेंसेस की तरफ उसने देखा नहीं, और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर टेस्ट बेसिस पर देख लिए वो, तो वो जजमेंट सैम्पलिंग करने लगा, जजमेंटल सैम्पलिंग करने लगा, उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ गया। तो लेकिन ये दोनों टाइप की सैम्पलिंग साइंटिफिक नहीं है, ये नॉन स्टेटिस्टिकल है। जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी की बात आती है, स्टेटिस्टिकल या प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। मैथमेटिक्स है, आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी करके, 11th-12th की मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी कि अगर मान लिया सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल लास वेगास में जुए खाने अड्डे हैं, वहाँ पर कोई भी
जीते, लेकिन अल्टीमेटली जुआ खाना जीतता है। और वो ऐसा कैसे होता है? वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से होता है। वो डाइस को इस तरीके से वहाँ पर ऑड्स को इस तरीके से करते हैं कि थोड़े ऑड्स जुए खाने के फेवर में रहते हैं। तो जो लास वेगास में जो वहाँ पर जो कैसीनोज़ हैं वहाँ पर हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर उसकी निकाली जाए, अगर देखा जाए, तो एक दो ट्रांजैक्शंस में कोई जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काम करती है। वहाँ पर लाखों ट्रांजैक्शंस के टर्म्स में देखा जाता है, और लाखों ट्रांजैक्शन के टर्म्स में जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कैसीनो की तरफ बायस्ड होते हैं, इतना कैसीनो की तरफ बायस्ड होते हैं कि कैसीनो अच्छा कमा सके और अच्छा अपना खर्चा निकाल सके। तो क्योंकि वो कैसीनो की तरफ से बायस्ड हैं तो लोग भी जीतते हैं और लोगों को लगता भी है कि वो जीत रहे हैं। और एक आदमी, इसमें साइकोलॉजी भी काम करती है, अगर एक कोई पर्टिकुलर आदमी कैसीनो में जाकर जीत लेता है तो वो प्रचार बहुत बड़ा होता है, लेकिन कैसीनो जीत रहा होता है तो कोई प्रचार नहीं होता है। तो एक जो भी आदमी जीतता है वो अपना प्रचार करते चले जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम काम करता है कैसीनोज़ में। तो पहले नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग थी, उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडर्ड्स आने स्टार्ट हुए। उन्होंने देखा लो जो मार्केट होती है उसमें लोग देखते हैं कि यार यहाँ हैफजर्ड सैम्पलिंग होने लगी, फिर जजमेंटल सैम्पलिंग होने लगी। उन्होंने कहा ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक तरीका क्या है। जब ऑडिटर से पूछा गया कुछ फ्रॉड हुए तो उसने कहा जी मैं इतना तो कर ही नहीं सकता था, ऑडिट इतने वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन है। तो उन्होंने कहा कैसे किया, उसने कहा मैंने हैफजर्ड सैम्पलिंग लगाई, ये जजमेंट सैम्पलिंग लगाई, मैंने 80% या 90% वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन देख ली, या कोई सारे एक्सेप्शन सारे देख लिए, ऑडिट कर लिए, लेकिन इसके बाद भी फ्रॉड मिल गया। तो इसमें क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नापी नहीं जा सकी ऑडिटर की। तो फिर उसके बाद आई स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स साइंटिफिक होती है, उसमें जो भी पॉपुलेशन आपने ली है उसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है हर चीज़ की, और नोन प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता होता है कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप जब कंप्लायंस टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रांग है, तो आप कहते हैं कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे और इसमें पॉपुलेशन में अगर 10% की भी चेकिंग कर ली तो इसका मतलब ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करते हो और आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हो कि कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग हैं, क्यों कंट्रोल्स स्ट्रांग हैं, वो सारी की सारी उसका डॉक्यूमेंटेशन आप रखते हो। उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि कितनी सैंपल होना लेना चाहिए, सैंपल साइज क्या होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करते हो और फिर उसी तरीके से सैंपल लेने की कोशिश करते हो। तो इसमें भी दो टाइप के हैं, रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, सारी पॉपुलेशन को चूज होने का चांस बराबर होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हर बार बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पांच आदमी हैं, पांच आदमी के नाम की चिट फेंक दी आपने, आपने कहा दो चूज़ करना है, तो पहली चिट निकाली फिर दूसरी चिट निकाली। इसी तरीके से अगर मान लिया सपोज रैंडम सैम्पलिंग होती, कंप्यूटर कर सकता है, तो इसमें लेकिन कई बार क्लस्टर्स बन जाने का प्रॉब्लम होती है। होती क्या है कि वैसे तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मालूम पड़ा बीच की पॉपुलेशन में अधिकतर आपने सैंपल निकाला, सैंपल वो किया, तो बीच की पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन आपने ईयर के स्टार्टिंग से ईयर के एंडिंग तक अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसमें कई बार क्या होता है, क्लस्टरिंग हो जाती है, क्लस्टर्स बन जाते हैं। वो कोई एक पर्टिकुलर मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप निकाल लेते हो, तो चांसेस है सिलेक्शन, इक्वल चांसेस है सिलेक्शन का, लेकिन क्लस्टरिंग होने के भी चांसेस है। तो रैंडम सैम्पलिंग के अलावा दूसरी टाइप की सैम्पलिंग है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह होती है, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्लस्टर्ड सिलेक्शन नहीं होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उसमें क्या होता है कि पहला नंबर आप देखते हो और पहले नंबर के बाद आप उसमें 5 या 7 या 10 ऐड करते चले जाते हो और वो ले लेते हो। अब पहला नंबर क्या है, आपने कहा जी तीसरा आइटम पहला नंबर है, तीसरा आइटम मैं चेक करूंगा और तीसरे के बाद हर 7वां आइटम चेक करूंगा। तो आपने 10वां आइटम चेक किया, फिर 17वां आइटम चेक किया, फिर 24वां आइटम चेक किया, और
आपने पहले देख लिया टोटल आइटम कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, हर 10वां आइटम या हर 7वां आइटम या हर 5वां आइटम चेक करना है। तो आपने एक पहला जो है स्टार्टिंग नंबर आपने किया और उसके बाद इंटरवल्स के अनुसार आपने चेक करना शुरू किया। तो अगर मैथमेटिक्स में एक टर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर नंबर्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक के बाद एक नंबर लिखे होते हैं, अगर किसी भी दो नंबर को, एडजेसेंट नंबर को आप माइनस करोगे तो उसका आंसर सेम आ रहा होगा। यानी 3 के बाद 10 आ रहा होगा, 10 के बाद 17 आ रहा होगा, तो 17 में से 10 माइनस किया 7 आ रहा होगा, 10 में से 3 माइनस किया 7 आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, उनके बीच का इंटरवल बराबर होता है और इसमें क्लस्टरिंग नहीं होती है। तो जब भी आप सैंपल निकालते हो, या तो रैंडम सैंपल निकालते हो जिसमें क्लस्टरिंग हो सकती है, या सिस्टमेटिक सैंपल निकालते हो। असल में होता क्या है, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप ऑडिट करने शुरू करते हो। आज की डेट में अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अनुसार आपको ऑडिट करना है, तो आपके ऊपर ऑडिट अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। तो आपने कंप्लायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद आपने डिसाइड किया कि इतना परसेंट पॉपुलेशन में चेक करूँगा, तो आप साइंटिफिक सैम्पलिंग की तरफ चले गए और रैंडम सैम्पलिंग या आपने स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ की। अगर आपको लगता है क्लस्टरिंग ज़्यादा होगी तो आपने दूसरी जगह में, मालूम पड़ा आपके एक पॉपुलेशन के पर्टिकुलर एरिया में रैंडम सैंपल यूज़ कर सकते हो, दूसरे में स्टैटिस्टिकल सैंपल यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। और वो सैंपल जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, रैंडमली आप उठा रहे होंगे। स्टैटिस्टिक उसमें क्लस्टरिंग हो सकती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्लस्टरिंग नहीं हो सकती। हमारा एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हर एक वैल्यू को के आने के चांसेस बराबर होते हैं, मतलब हर एंथ सैंपलिंग यूनिट आपने उठाई। तो अब क्या हुआ कि आप ऑडिटर हो, ऑर्गेनाइजेशन में गए रैंडम और सिस्टमेटिक सैंपलिंग की, उसके बाद आप जजमेंट सैंपलिंग भी लगा सकते हो। नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड है, लेकिन कई जगह पर आपने जजमेंट सैंपलिंग लगा दी। लेकिन जजमेंट सैंपलिंग आपने कहा कि जी जजमेंट सैंपलिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साइंटिफिक मेथड यूज़ करूँगा, और साइंटिफिक मेथड यूज़ करते करते एडिशनल वे में यूज़ कर सकते हो आप जजमेंट सैंपलिंग को। और अगर मान लिया आपने 10% पॉपुलेशन चेक करनी है, तो आपने रैंडम सैंपलिंग स्टेटिस्टिकल साइंटिफिक मेथड से 10% पॉपुलेशन चेक कर ली, अब आपने अपना काम कर लिया, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो आप। आपने कहा एक बार जजमेंट सैंपलिंग भी लगा लो ताकि कोई एरर ना हो, आपके पास कुछ टाइम और बचिए, तब आप जजमेंट सैंपलिंग लगाओगे, नहीं तो आप जजमेंट सैंपलिंग नहीं लगाओगे। आप जजमेंट सैंपलिंग लगा के आप कहोगे जी जो 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन सारे दिखा दो मुझे, तो वहां पर आप जजमेंट सैंपलिंग लगा दोगे। उसके बाद भी बच गया तो कुछ हैज़र्ड सैंपलिंग भी लगा सकते हो आप, लेकिन बेसिकली जजमेंट सैंपलिंग और हैज़र्ड सैंपलिंग आपको नहीं लगानी है। साइंटिफिक तरीके से चलोगे, प्रोफेशनल ऑडिटर की तरह चलोगे तो वो नहीं लगानी है, आपको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड्स का ही यूज़ करना है। अब ये चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा, ये चीज़ें एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। तो हमने क्या बोला कि सैंपल जो है इस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, और पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि सारे करेक्टरिस्टिक्स हों उसमें पॉपुलेशन में। तो ये एक ही टेक्निक करती है, और केवल एक ही टेक्निक करती है, और केवल एक ही टेक्निक करती है, और वो है स्टेटिस्टिकल मैथड। तो अगर ऑडिट इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सैंपल सही तरीके से आप चूज़ करें, और सैंपल को सही तरीके से चूज़ करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर आप ऑडिट करो। ऑडिट करने के बाद नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, एडिशनल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। एडिशनल मेथड्स यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इसे समराइज़ कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड आप हमेशा यूज़ करोगे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होगा, नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन एज एन एडिशनल चीज़ रेजिडुअल चीज़ के रूप में आप कर सकते हो। यानी ऑडिट जब आप कर रहे होगे तो प्रोफेशनली आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करोगे, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स दो हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्लस्टर्स पैदा कर सकती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्लस्टर पैदा ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड्स कौन थी, हैज़र्ड सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग। अगर आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया और आपको रीजनेबल एश्योरेंस देने के आप लगता है कि आप दे सकते हो, और आपने स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज़ कर लिए हैं, जितना पॉपुलेशन करना था उतना कर सकते हो, तो उसके अलावा जजमेंट सैंपलिंग भी आप लगा सकते हो एज एन एडिशनल चीज़ है। उसके बाद फिर हैज़र्ड सैंपलिंग भी लगा सकते हो, आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, कहते हो चलो ये 3 ट्रांजेक्शन और लिया लास्ट में,
तो ये एडिशनल प्रोसीजर्स हैं। तो आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स ही यूज़ करना है, और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स जब आप यूज़ कर रहे हो पॉपुलेशन में सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे होगे, तो दो तरीके से कर रहे होगे, सेलेक्शन ऑन रिकॉर्ड और सेलेक्शन ऑन क्वांटिटेटिव फील्ड यानी मॉनिटरी वैल्यूज़। आप किसी रिकॉर्ड को देख रहे होगे तो आप ये देख सकते हो, मनी के टर्म्स में देख सकते हो, आप कह सकते हो एक लाख रुपये से इतने लाख रुपये तक मैं 50% चेक करूँगा, हर पॉपुलेशन को मैं 50% चेक करूँगा, तो या 20% चेक करूँगा या 10% चेक करूँगा। तो आप उसमें क्लस्टर्स बना सकते हो, उसमें क्लस्टरिंग कर सकते हो, मतलब आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए सपोज 5 लाख से 10 लाख का ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एक क्लस्टर बना सकते हो और उसमें फिर आप चेक कर सकते हो। तो वो मॉनिटरी यूनिट्स हैं। अगर आप देख सकते हो, आप अगर देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन नंबर देख रहे हो, ट्रांजैक्शन नंबर्स देख रहे हो, तो सेलेक्शन ऑन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि सैम्पलिंग मेथड्स क्यों हुई, क्योंकि ऑडिटर 100% ऑडिट नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये डिस्कनेक्ट होता जाएगा। कई बार ऑडिटर की टेक्निक्स, ऑडिटर के पास ऑडिटिंग टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड ऑडिटिंग आईटी और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स मिल जाएंगी, तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर सिस्टम और आगे बढ़ जाएगा, फिर फाइनली क्या होगा कि 100% ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेट हो जाएंगे और ऑडिटिंग मेथड्स भी ऑटोमेट हो जाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, जब 100% ऑटोमेशन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो 100% ऑटोमेशन आ जाएगा, उस टाइम पर 100% आप चेक कर सकते हो। उस समय ऑडिटिंग टेक्निक्स भी ऐसी होंगी कि 100%, क्योंकि एक लेवल तक हम पहुंच गए, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। लेकिन जब तक वो नहीं आता है, तब तक जहां जहां पर हम 100% चेकिंग नहीं कर पाएंगे, वहां वहां पर हमें सैंपल लेना पड़ेगा। और सैंपल में क्या होगा, दो टाइप के सैंपल है, सैंपल स्टैटिस्टिकल सैंपल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल। पहले इवोल्यूशन ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड्स थी, और सबसे पहले हैफजर्ड सैंपलिंग आई, कैसे भी करके सैंपल कर लो, देख लो, अंदाजा लगा लो, एक इसमें बायस नहीं होता था, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती थी, आदमी देख लेता था सारे, जैसे बहुत सारे खाने पड़े हुए हैं, उसमें ये भी खाना थोड़ा टेस्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, समथिंग लाइक दैट। फिर जजमेंट सैम्पलिंग आई, ऑडिटर ने बोला यार पूरा तो मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर गया, उसने कहा कि जी अभी मेथड्स नहीं आई हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वाली मेथड्स नहीं आई हैं, तो ऐसा करो पूरा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो अपने बॉस को ये बताओ कि 80% वैल्यू तो मैंने पूरी देख ली है सर, 80% ट्रांजेक्शन मैंने पूरे चेक कर दिए, बाकी 20% छोटे छोटे ट्रांजेक्शन थे जो कि बहुत ज़्यादा थे, उसमें भी हमने कुछ हैफजर्ड सैम्पलिंग लगा ली। तो यानी कि जब जजमेंट सैम्पलिंग आई तो हैफजर्ड सैम्पलिंग का यूज़ होता था, और हैफजर्ड सैम्पलिंग आई तो वो नया आदमी जाकर हैफजर्ड सैम्पलिंग ही करता है। जजमेंटल सैम्पलिंग में बायस होता है, एक्सपीरियंस की वजह से बायस होता है, एक्सपीरियंस कई बार गलत भी चीज़ें करवा देता है, बहुत एक्सपीरियंसड आदमी है वो कई बार बहुत गलत काम कर लेता है, गलत तरीके का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें बायसेस क्रिएट होते हैं, अनबायस्ड नहीं होते। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड अनबायस्ड होती है, साइंटिफिक होती है, और उसी का हमें यूज़ करना चाहिए। तो लेकिन ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 15 दोनों में अप्लाई होता है, आपका स्टैटिस्टिकल में भी अप्लाई होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल में भी अप्लाई होता है, यानी